माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक कामगार को काम देने के निर्देश और ख़ासतौर से जनपद के अंदर ही उनको काम की उपलब्धता कराने के निर्देश के तहत हमने अपने जनपद में भी एक प्रयास किया है और आज एक आजीविका सेतु ऐप का को लॉन्च किया है, जो कल से लोगों को गूगल स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध रहेगा। आजीविका सेतु ऐप सिर्फ गूगल स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए ही नहीं, बल्कि इंटरनेट के द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है। और इसका जो एड्रेस होगा वो AAJEEVIKASETU आजीविका सेतु .com इस पर उपलब्ध होगा। इसमें कोई भी अपने आप को, जो कामगार जो जिसको काम चाहिए वो अपने आप को लॉगिन कर सकता है। उसमें तीन तरीके के लोगों के लिए लॉगिन है। पहला, जिसको काम चाहिए वो अपना आवेदन करेगा। उसमें एक फील्ड ये भी है कि अगर आप बाहर से आए हैं तो क्या आपने क्वारंटाइन अवधि पूरी कर ली है, अगर नहीं पूरी की है तो कब आपकी अवधि पूरी हो रही है, ये बताना ज़रूरी होगा। और इसके साथ ही अपनी डिटेल देना होगा। एक नियोक्ता की लॉगिन है, जिसमें नियोक्ता को लॉगिन करना पड़ेगा। और नियोक्ता मतलब जो भी रोज़गार देगा उसको लॉगिन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें कि कोई कहीं कोई फर्जी कंपनी तो नहीं है, क्योंकि इसमें हर प्रत्येक का एक्सेस होगा। एक प्रशासन की लॉगिन है, जो न सिर्फ इन सबको अप्रूव करेगा, इनके ऊपर नज़र रखेगा और साथ ही बैंकिंग के थ्रू अगर कोई स्वरोजगार करना चाहता है तो बैंकर्स को भी एंट्री दिला के उनको स्वरोजगार के लिए मुहैया कराएगा। इसमें जल्द ही हम डी रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन दे देंगे कि जिसको रोजगार मिल गया है, जो यहाँ से बाहर जा रहा है, वो अपने आप को डी रजिस्टर करके हमारी मदद करे। इसमें रिक्वेस्ट सभी लोगों से रहेगी कि जिनके पास काम है वो कृपया अपने आप को रजिस्टर ना करें, और जिनके पास काम नहीं है वो अपने आप को रजिस्टर करें। हमारा पूरा प्रयास है कि हर हाथ को काम मिले और सभी को हम रोजगार दिला सकें।